हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर मैं आपके सामने आर ओ ए आर ओ के लिए विलोम शब्द का पार्ट थ्री लेकर आई हूं। जल्द से जल्द डेली एक वीडियो लाऊंगी आर ओ ए आर ओ के लिए, जिससे हिंदी फटाफट से यहां कंप्लीट हो जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 फरवरी के बीच आपकी पूरी हिंदी की प्रिपरेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाए, और मंडे तक एज़ पॉसिबल मैं आपके लिए निबंध का भी एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप लोग कैसे निबंध में अपनी जो भी भावनाएं हैं व्यक्त कर सकते हैं, कैसे उसको प्रारंभ करें, कैसे उसका मिडिल फेज लिखें और एंडिंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप जल्द ही वीडियो आएगी आपके सामने। प्लस मैं आपके सामने प्रारूप रेखन टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी वीडियोस आपके लिए फटाफट लेकर आऊँगी, ताकि 10 से 12 फरवरी तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए हिंदी का, और आप आर ओ ए आर ओ मीन्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, जो कि फेब में होने वाला है, 17, 18 और 20 फरवरी को। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का पार्ट थ्री, पार्ट वन और टू मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन प्लीज़ दबाना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आज के वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्योतिर्मय, इसका होगा तमोमय। जल का थल, जागरण का निद्रा, जागृति का सुषुप्ति, जोड़ का घटाव, जड़ का चेतन, जेय का अजेय, जीत का हार, झूठ का सच। आगे देखते हैं, ज्वार का भाटा, जय का पराजय, जवानी का बुढ़ापा, जागृत का सुषुप्त, जाड़ा का गर्मी, जीवन का मरण, जंगम का स्थावर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है। जाति का कुजाति, ज्ञान का होगा अज्ञान, झोपड़ी का होगा महल। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं त वर्ग में कौन कौन से वर्ड हैं। तो ये है तामसिक का सात्विक, ताना का भरनी, तारीफ का शिकायत, तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुच्छ का महान होगा, तरुण का होगा वृद्ध, तृषा का तृप्ति, थलचर का जलचर, तृष्णा का वितृष्णा, ताप का शीत, तिक्त का मधुर, तीक्ष्ण का कुंठित, तुकांत का अतुकांत, त्याज्य का ग्राह्य, तुल का अतुल, तृप्त का अतृप्त, थोड़ा का बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोक का फुटकर, दानी का कंजूस, दुरुपयोग का सदुपयोग। ये आप देख लीजिएगा कि इसको लिखते भी कैसे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चार ऑप्शन ऐसे आपको दे दिए जाएंगे कि स्पेलिंग भी मिस्टेक होगी, तो आपको उसमें पहचानना भी पड़ेगा। दुर्जन का होगा सज्जन, धर्म का अधर्म, ध्वंस का निर्माण, धूप का छांव, नख का शिख, नागरिक का होगा ग्रामीण, निषिद्ध का होगा विहित, निर्लज का सल्लज, निद्रा का होगा जागरण, दयालु का निर्दय, दुदांत का होगा शांत, दानव का देव, दुर्गंध का सुगंध, धनी का निर्धन, धरा का होगा गगन, नर का नारी, नूतन का पुरातन, निर्दय का सदय, निरामिष का शामिष, नैसर्गिक का कृत्रिम, नगद का उधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, निद्रा का होगा जागरण, निराकार का साकार, निश्चल का छली, नमक हराम का नमक हलाल, निषेध का विधि, निश्चेष्ट का सचेष्ट, दिन का रात, दीर्घकाय का कृशकाय, दाता का सूम, दक्षिण का वाम, दृण का विचलित, दुर्बल का सबल, दूषित का होगा स्वच्छ, धीर का होगा अधीर। आगे देखते हैं, नगद का होगा उधार, नीरस का होगा सरस, निर्गुण का सगुण, नगर का ग्राम, निर्जीव का सजीव, न्यून का अधिक, दुराचारी का सदाचारी, दुराशय का सदाशय, देव का अदेय, देय का अदेय, दीवा का रात्रि, दृश्य का अदृश्य, दुशील का सुशील, दोष का होगा गुण,
दृष्ट का होगा विनीत। आगे बात करते हैं इसमें, धीर का अधीर, धार्मिक का अधार्मिक, न्याय का अन्याय, नाम का अनाम, निरर्थक का सार्थक, निध्य का वध्य, नेक का बदी, बदी या बदी दोनों लिख सकते हैं, नैतिक का होगा अनैतिक, निराशा का आशा, निर्मल का मलिन होगा, नया का पुराना, नित्य का अनित्य, निर्माण का ध्वंस, दृष्ट का विनीत, ये हम पहले देख चुके हैं, नश्वर का शाश्वत, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले आ चुका है एग्जाम में, निर्दोष का सदोष, निंदा का स्तुति, निष्काम का सकाम, निरक्षर का साक्षर, निडर का कायर, नरक का स्वर्ग, निर्धन का धनी, नकल का असल, नास्तिक का आस्तिक, नकारात्मक का सकारात्मक, नेकी का बदी। आगे हम देखते हैं प वर्ग के, यहाँ पर पक्ष का होगा विपक्ष, पंडित का मूर्ख, पठित का अपठित, परतंत्र का स्वतंत्र, पाश्चात्य का पौवर्त्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है पौवर्त्य, प्रसाद का होगा विशाल, प्राकृतिक का होगा कृत्रिम, फूलना का होगा मुरझाना, बंधन का होगा मोक्ष या मुक्ति, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, बढ़िया का होगा घटिया, परुष का होगा कोमल, परुष है या पुरुष नहीं है, परुष, पुण्य का होगा पाप, परमार्थ का होगा स्वार्थ, पूर्ववर्ती का परवर्ती, प्रवृत्ति का निर्वृत्ति, प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, फल का निष्फल, बैर का प्रीति, बद का नेक, बद्ध का मुक्त। आगे देखते हैं, बर्बर का होगा साक्ष्य, सॉरी सभ्य, बहिरंग का अंतरंग, बाह्य का अभ्यांतर, अभ्यांतर, भय का निर्भय, भूगोल का खगोल, भूलोक का धूलोक, भोगी का होगा योगी, मृषण का रूक्ष, मानवीय का अमानवीय, बलवान का बलहीन, बाढ़ का होगा सूखा, बाढ़ग्रस्त सूखाग्रस्त, भ्रांत निर्भ्रांत, भूत का भविष्य, भेद का अभेद, भोग्य का अभोग्य, महात्मा का दुरात्मा, मित्र का शत्रु। तो यहाँ पर हमारे आज के ये विलोम शब्द यहीं समाप्त होते हैं। आज हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीडियो में विलोम शब्द पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी बचे हुए हिंदी के टॉपिक्स हैं मैं जल्द से जल्द यहाँ लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।